हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6 मंथ बेबी की नाइट ड्रेस बना के दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये बेबी वाला कपड़ा लिया है। ये 1 मीटर ये कपड़ा है। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह उल्टा करके फोल्ड फोल्ड कर लेंगे। ऊपर तो की हाफ इंच सिलाई के लिए ली है। शर्ट की जो लेंथ रखूंगी वो 14 इंच तैयार रखनी है। अब इसकी शोल्डर के लिए 5 इंच पे निशाना लगाऊंगी। और यह आमहोल का जो कटिंग लेंगे यह हम 5.5 इंच पे निशाना लगाऊंगी। तो अब चेस्ट के लिए यहाँ से 1.5 इंच ज़रा मार्क करूंगी और यहाँ से 1 इंच मार्जिन के लिए रखूंगी। तो नेक ली है 2.2 इंच और फ्रंट नेक 2 इंच डिपनेस में निशाना लगाऊंगी। छोटा बच्चा है तो ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखूंगी गले में। और इसकी बैक नेक 1/2 इंच रखूंगी। तो यहाँ पर आर्म होल में भी राउंड शेप देनी है। ये बैक पार्ट की है और ये फ्रंट पार्ट के लिए। ये 1 इंच सिलाई में जाएगी। तो यह शोल्डर में भी 1 साइड 1/2 इंच डाउन रखूंगी। अब मैं इसमें कटिंग करूंगी। पहले बैक पार्ट की कटिंग की है, अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे दोनों साइड में पत्ती लगाऊंगी बटन और कास्ट लगाने के लिए। ये मैंने 2 इंच की ली है। तो कास्ट लगाने वाला साइड में पत्ती को हम कपड़े की सीधी साइड से सिलाई करूंगी और बटन लगाने वाला पार्ट में पत्ती को कपड़े की उल्टी साइड से सिलाई लगाऊंगी। तो दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। और इसको कपड़े की सीधी साइड की तरफ फोल्ड करके उस सिलाई के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब इसकी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ये मैं काट डालूंगी। तो अब हम दोनों शोल्डर को जॉइन कर दूंगी। तो शोल्डर जॉइन मैंने कर ली है। अब कलर की नाप लूंगी। इस तरह से कलर की नाप लूंगी। तो ये हमारा 13.5 इंच आया है। अब हम इसका कॉलर कट करेंगे। कॉलर के लिए मैंने ये फोल्ड फोल्ड करके ये फैब्रिक ली है। तो कॉलर के लिए मैंने 2.5 इंच ली है और 13.5 इंच को आधा करके निशाना लगाऊंगी। ये 6.7 इंच आया है। ऊपर की 1/2 इंच से हल्का सा राउंड शेप दूंगी। अब सिलाई के लिए यहाँ से एक्स्ट्रा 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। अब हम कॉलर कट करेंगे।
अब कॉलर की सर तरफ सिलाई लगाकर सीधा कर देनी है। अब कॉलर की सेंटर में कट लगाएंगे और शर्ट की सेंटर में भी कट लगाएंगे। अब दोनों साइड की सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले कॉलर की एक हिस्सा ज्वाइन कर देंगे। अब हम इस तरफ से ये जो कपड़ा है ये अंदर की तरफ फोल्ड करके उससे लगी ऊपर रखते हुए सिलाई के ऐसे रखे हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो कॉलर रेडी हो गई है। अब हम शर्ट की स्लीव्स तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक को फोल्ड फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ 11 इंच तैयार करनी है और दोनों साइड सिलाई के लिए मैंने 1.5 इंच ज़्यादा लिया है 12.5 इंच और आर्म होल 5.5 इंच है। तो मैंने यहाँ पर भी 1.5 इंच ज़्यादा लिया है और यहाँ 1.5 इंच में सेप दूँगी। अब स्लीव्स की बटन पार्ट के लिए 4 इंच में निशाना लगाऊंगी। इस तरह से मार्क करूंगी। अब स्लीव्स की कटिंग करूंगी। तो अब एक साइड को हम इस तरह से डाउन करेंगे और सेंटर में कट लगाएंगे। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए स्लीव्स को जॉइन करेंगे और यहाँ बॉटम पार्ट में फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरह दोनों साइड स्टिच कर देंगे। तो शर्ट रेडी हो गई। अब पैंट के लिए फैब्रिक को फोल्ड फोल्ड कर लिया है। तो पैंट की लेंथ 16 इंच ली है। ऊपर की 2 इंच बेल्ट में जाएगी और नीचे बटन पार्ट में सिलाई के लिए 1 इंच जाएगी। तो सिलाई के बाद पैंट की रेडी लेंथ 14 इंच रहेगी। तो पैंट की वेस्ट 6 इंच ली है और आसान 6.5 इंच। ऊपर बेल्ट सिलाई करने के बाद 1 इंच रहेगी। तो 1 इंच ऊपर से निशाना लगाऊंगी। और यहाँ पर 2 इंच रखी है। अब यहाँ पर राउंड शेप दूंगी। और नीचे बटन पार्ट में 4 इंच ली है। तो 1 इंच ज़्यादा लेकर 5 इंच पे मार्क करूँगी। 1 इंच सिलाई के लिए ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको ऐसे खोल लेंगे। अब इसकी आसान की दोनों साइड सिलाई लगा दूंगी। इसके बाद बेल्ट तैयार करूंगी और नीचे इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह दोनों साइड फोल्ड करके सिलाई करने के बाद दोनों साइड सिलाई करके ज्वाइन कर दूंगी। तो इतना सा ओपन रखा है, इसमें इलास्टिक डालेंगे। पैंट शर्ट रेडी हो गई है।